जय जलेश्वर महादेव। आपको तो पता ही होगा, हमारे बुजुर्ग, कई बुजुर्ग चले गए यहाँ से, हमें कहते कहते कि कितने ही वर्षों पुराने यहाँ पे जलेश्वर महादेव की स्थापना है। ये बीचों बीच चंबल नदी के मैया के बीचों बीच में है। कितना ही विराल रूप धारण कर लिया चंबल नदी ने, कितनी उफान पे आती है। आज तक कभी भी ये जो जलेश्वर महादेव का लिंग है, कभी भी जो धारा चहती है उसकी साइड कभी नहीं गए। अगर गए भी सही तो उसकी विपरीत दिशा में गए, यानी कि ऊपर की साइड गए। महादेव की अलौकिक लीला है इनकी, कितना बताएं उतना कम है। यहाँ हर मनोकामना पूर्ण करते हैं प्रभु ये सबकी। और इनकी एक विशेषता है कि अभी कुछ समय पहले ये जो नदी है बनी हुई है, इसको जब ड्रोन से शूट किया गया तो प्रभु बिल्कुल त्रिशूल आकार में बीचों बीच में विराजमान थे, और उसको ऊपर से देखा गया तो ओम के आकार में विराजमान थे। काफ़ी अच्छी निराली, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान जलेश्वर महादेव। प्रभु की विशेषता ये है कि ये जब पानी माँ रौद्र रूप में आती है तो ये भगवान अपना स्थान छोड़ते हैं, तो धारा के विपरीत इधर नहीं जाते हैं, ये इस साइड मिलते हैं, धारा के तरफ जाके मिलते हैं। क्या रहती है, कितने लोगों दर्शन करने आते हैं? यहाँ तो सुबह 5:30 बजे से लोगों को दर्शन करने का काम चालू हो जाता है, और शाम को 5 बजे 6 बजे तक लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, कई दिनों से आ रहे हैं लोग, और श्रद्धालु श्रावण मास में तो अधिक संख्या में यहाँ लोग होते हैं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के। और यहाँ से कांवड़ यात्रा भी जाती है ओंकारेश्वर के लिए नरसिंहगढ़ से।